पब्लिक टीवी आपकी आवाज। वार्ड 4 पेपरपुरा की सीट इस बार आरक्षित होने के बाद मंजू चौहान को भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा और क्षेत्र की जनता के बीच भेजा है। भारतीय जनता पार्टी की पार्षद प्रत्याशी मंजू चौहान के पति सतीश चौहान आज पेपरपुरा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे और क्षेत्र की जनता से अपने समर्थन के लिए वोट मांगा। उन्होंने कहा कि कमल के फूल को वोट देकर मंजू चौहान को पार्षद बनाएं और महापौर विनोद अग्रवाल को बनाएं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और संगठन के लोग भी चुनाव प्रचार में उपस्थित रहे, साथ ही विभिन्न लोगों ने अपना समर्थन भी सतीश चौहान को दिया। पब्लिक टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में घूमकर पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चलाई हुई योजनाएं जनता के बहुत काम आ रही है और जनता बहुत खुश है। साथ ही कहा कि इस बार भाजपा को वोट देकर एक बार फिर से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे और भाजपा को जीत दिलाएंगे। मेरा नाम सतीश चौहान है और मेरी पत्नी जो मंजू चौहान है वो वार्ड 4 पेपरपुरा लांकड़ी से भाजपा पार्षद प्रत्याशी है और चुनाव अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा माहौल है। समर्थकों का भी, कार्यकर्ताओं का भी जोश बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं और ऊपर से पार्टी संगठन का भी बहुत अच्छा सहयोग हमें मिल रहा है। अच्छा, किस तरह का समर्थन मिल रहा है और कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं अभी? हाँ, कुछ समर्थन भी अच्छा मिल रहा है और जब कहीं हम जाते हैं तो कुछ समस्याएं भी हमारे सामने वहाँ पे आती हैं, तो प्रयास यही रहेगा जो समस्याएं पिछले 5 साल में अच्छा विकास हमारे यहाँ हुआ है और ऊपर हमारी जो सरकार है, सरकार के माध्यम से काफ़ी अच्छे कार्य यहाँ पर हुए हैं और जो कार्य हुए हैं उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाते हुए प्रयास रहेगा कि जो समस्याएं ख़त्म हम नहीं कर पाए पीछे, उन समस्याओं को इस बार हम खत्म करें और लोगों की समस्याओं का समाधान हो। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।